हेलो, नमस्कार। एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए, इस वीडियो में मैं नगीना के जो टाइटल सॉन्ग है, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तो मेरा, उस गाने का जो शुरू का म्यूजिक है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण म्यूजिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग नोटेशन भी बनाते हैं लेकिन म्यूजिक नहीं बना करके डालते हैं। और जिस वजह से हम कहीं अगर गाने को प्ले करते हैं तो शुरू का जो भाव म्यूजिक से बनता है वो हमेशा अधूरा रह जाता है, और हम सीधा गाने से स्टार्ट करते हैं तो उसमें वो फीलिंग नहीं आती, क्योंकि म्यूजिक हमारा तैयार नहीं होता। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और इसमें आप जो मैं म्यूजिक का नोटेशन बता रहा हूँ इसको आप अच्छे से देखकर और खूब अच्छे से आप भी इसको बजाएं, ठीक है? तो आइए देखते हैं इसको। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं सीधा आपके पास पहुंचे और आप उसे देखकर अच्छे से बजा सकें। और मैं अभी बहुत सारे वीडियो डालूंगा जो गानों के नोटेशन के होंगे, बहुत सारे गानों के म्यूजिक के होंगे, अलंकार के, राग के, ऐसे कई बहुत सारे वीडियो होंगे जिनको देख करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है? वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको म्यूजिक कैसा लगा, आपको नोटेशन कैसा पसंद आया, और अगर आपके मन में कोई गाना है तो आप उसको भी कमेंट में लिख करके आप मुझे बता सकते हैं और आपसे प्राप्त कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, अगर आप विधिवत बहुत अच्छा हारमोनियम बजाना चाहते हैं, हारमोनियम सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप सीखें, ठीक है? अगर आप कहीं किसी गुरु के पास विधिवत सीखते हैं और अच्छा गुरु है आपको अगर सिखा रहा है, और उसको सीखने के बाद जब आप कुछ चीज़ बजाते हैं तो उसकी बात अलग होती है, आपके अंदर समझ होती है, जगह जगह पे आपको पता होता है कहाँ पे कौन सी ताल है, कहाँ पे क्या मात्रा है, ठीक है? तब आप उसको ज़्यादा बेहतर जो है बजा पाते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं YouTube से देख देख कर सीख लूँगा, तो YouTube से बहुत चीज़ें आप सीख तो लेंगे पर वो क्लियर कभी नहीं होंगी, आपके मन में हमेशा डाउट बना रहेगा कि इसका क्या होता है, इस चीज़ का क्या होता है, या उसकी जो जड़ होती है उसमें जो मेन टेक्निक होती है, मेन खूबियाँ होती हैं, वो कोई भी गुरु आपको यूट्यूब पे नहीं बताता है, ठीक है? वो खाली इतना ही बताता है जिससे आप खाली देखकर बजा सकें। तो अगर आप बस बढ़िया मास्टर बनना चाहते हैं तो आप क्लास ज्वाइन करें, कंजूसी बिल्कुल ना करें, जो भी 1,500-2,000 फीस जो पड़े आपको उसको दे करके आप सीखें। अगर आप सीख जाएंगे तो एक दिन बहुत अच्छे मास्टर बनेंगे, और मास्टर बन के जो फीस आप खर्च करेंगे उसे आप कमा भी सकते हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं। मैं इसका म्यूजिक जो है मेन स्केल से बता रहा हूं, जो इस गाने का मेन स्केल है उसी स्केल से, ठीक है? और ये राग भैरवी में आता है, राग भैरवी में भी आता है, और बाकी ये इसमें बहुत सारे नोट्स और भी लगते हैं, इसलिए हम इसको मिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है? तो म्यूजिक की शुरुआत कहां से होती है मैं आपको बताता हूं। इस रीड को हम दबाकर रखेंगे, ठीक है? और इसको हम प्ले करेंगे 4 बार, और ये कोमल धा है। आप इसको दबा लें, और इसका नोटेशन मैं इस सा के हिसाब से बता रहा हूं, इस सा को आप सा मान लें, और इस सा के हिसाब से ये कोमल धा हुआ, ठीक है? तो ये वो कोमल धा, और इसको हम दबाएंगे और शुद्ध धा को 4 बार प्रेस करेंगे, किस प्रकार, ठीक है? और उसके बाद 2 बार, इसका सरगम क्या होगा, शुद्ध धा, ये कोमल धा, ठीक है? और इसको 2 बार बजाएंगे पूरा पूरा, किस प्रकार, और उसके बाद 2 बार बजाने के बाद फिर हमारा नोटेशन चेंज हो जाएगा, गा धा धा धा, ठीक है? गा धा धा धा, नी धा धा धा। मैं आपको एक बार स्लो और बता देता हूं, गा धा
धा धा धा नी धा 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 और ये भी दो बार बजेगा। ठीक है, और उसके बाद ऊपर का म्यूजिक आएगा और यहाँ पे हम खटका भी यूज करते हैं। खटका किस प्रकार से अगर हम चाहें तो यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम खटका आपको बताएंगे नहीं, अभी आप सिर्फ प्लेन बजाएं, क्योंकि जब हमारा म्यूजिक पहले प्लेन सेट हो जाता है फिर उसमें हम खटका भी डाल सकते हैं। किस प्रकार? इसका सरगम क्या होगा? गा रे गा नी रे धा नी धा गा रे गा नी रे धा नी धा। मैं इतना सुनो इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाए। ठीक है, और उसके बाद फिर वही म्यूजिक आ जाएगा। दो बार गा धा 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 नी धा धा धा। ठीक है, और उसके बाद ये म्यूजिक आएगा पाधा धा धा पाधा धा धा, ये भी दो बार बजेगा। और उसके बाद नी धा 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 नी धा धा धा, ये दो बार बजेगा। और ये पूरा दो बार बजेगा। किस प्रकार? अब इसका पूरा सरगम क्या होगा? पाधा धा धा पाधा धा धा नी धा 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 नी धा धा धा, फिर दो बार दूसरी बार बजेगा पाधा धा धा पाधा धा धा नी धा 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 नी धा धा धा। ठीक है, ये दो बार बजने के बाद में फिर आए फिर बजेगा ठीक है, और उसके बाद जब ये म्यूजिक खत्म हो जाएगा पाधा धा धा पाधा धा धा नी धा 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 नी धा धा धा, फिर रे धा 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 रे धा 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 गा धा 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 रे धा 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 नी धा 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 रे धा 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 गा धा 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 नी धा धा धा। ठीक है, आप समझ नहीं पाए होंगे कितनी बार हमें बजाना है, तो मैं आपको फिर से बताता हूं। जब ये म्यूजिक जो दो बार बजेगा उसके बाद रे धा 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 एक बार, फिर गा धा 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 दो बार, फिर आएंगे रे धा 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 और उसके बाद फिर गा धा 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 और उसके बाद नी धा धा धा, फिर रे धा 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 नी धा 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 और उसके बाद नी धा पा नी धा धा, ये इस प्रकार से उतर के आएगा नी धा धा। यहां तक बिना ताल का म्यूजिक चलता है जिसमें ढोलक अच्छे से नहीं बजती है। ठीक है, इतना बजने के बाद में फिर म्यूजिक जो है शुरू होता है। किस प्रकार का? ठीक है, अब इसका सरगम क्या होगा? मा धा धा धा, ये तीव्र मा होगा, मा धा 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 नी धा 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 रे धा धा धा। फिर से देखें, मा धा 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 नी धा धा धा
रे धा धा धा। और यहाँ पे खटका भी यूज करते हैं, लेकिन वो मैं अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि खटके के चक्कर में आप पूरा म्यूजिक खराब कर लेंगे, इसलिए पहले प्लेन बजाएं। खटका किस प्रकार यूज करें वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। चार बार बजेगा, नहीं सॉरी दो बार, ठीक है। और उसके बाद में जो ऊपर का म्यूजिक होगा वो किस प्रकार आएगा, गा गा मा गा गा रे। यहां पे शुद्ध का कोमल का दोनों लग रहे हैं, क्योंकि नोटेशन सा के हिसाब से है। गा गा मा गा गा रे, रे गा 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 नी, रे सा रे नी, रे धा रे नी धा धा मा, ठीक है। एक बार फिर से देखें, गा धा धा सॉरी गा गा मा गा गा रे, रे गा 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 रे नी, रे सा रे नी, रे धा रे नी धा धा। और उसके बाद फिर वही म्यूजिक आ जाएगा, मा धा 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 नी धा 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 रे धा धा धा, मा धा 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 रे धा 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 सॉरी रे धा धा। यहाँ पे अभी गलती से नी लिया था तो मैंने रे बोल दिया, तो उसको आप नी ही रखेंगे, ठीक है। और इतना म्यूजिक बजने के बाद फिर एक और म्यूजिक बजता है छोटा सा, ये जहां से हमारा ढोलक पे म्यूजिक शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आप शुरू का म्यूजिक अच्छे से पूरा पहले बजा लें, उसके बाद जहां से गाने का म्यूजिक शुरू होता है वो म्यूजिक मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा, पार्ट टू में, ठीक है। अब एक बार मैं आपको पूरा बजा के दिखा देता हूं कि ये किस प्रकार से बजेगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सॉरी, Thank you.
इतना म्यूजिक आपको पहले तैयार करना है अच्छे से। जब आप इतना तैयार कर लें तो आप मुझे बताएं, मैं आपको पार्ट टू भी भेज दूंगा, लेकिन पहले इसको अच्छे से आप तैयार करें। तो आप जहाँ भी कहीं आप बजाने जाते हैं तो वहाँ पे उसका भाव प्रकट कर सकें। जब आप शुरू का म्यूजिक बजाएंगे तो म्यूजिक बजाते ही आपको सुनते लोग दौड़े चले आएंगे, ठीक है? तो आप इस वीडियो का अच्छे से प्रैक्टिस करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको म्यूजिक कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।